असलम माई डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर वेलकम टू शाह मैथ ऑनलाइन आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ प्रैक्टिस एम सी क्यूज़ रिलेटेड टू टॉपिक लॉग रिथमिक फॉर सैट ग्री जी मैट मैथ एन एम डी कैट माई डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल से ये हमारे पास एम सी क्यूज़ हैं क्वान्टिटेटिव मैथामेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट एम सी क्यूज क्या है इफ़ लॉग एक्स विद बेस टू इज इक्वल टू फोर देन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी अब माई डियर स्टूडेंट नो डाउट यहाँ पर मैं इसे बाई इंस्पेक्शन भी आंसर बता सकता हूँ बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है आपने करना क्या है सबसे पहले ये लॉग फॉर्म में गिवन है हम इसे लॉग फॉर्म से जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट फार्मूला ये है कि अगर आपके पास लॉग लॉग ए विद बेस बी इज़ इक्वल टू एम एम के इक्वल है तो जब मैं इसे एक्सपोनशियल फॉर्म में लिखूँगा लॉग वैनिश हो जाएगा ये यहाँ पर बनेगा ए इज इक्वल टू बी टू दी पावर एम और अगर एक्सपोनशियल फॉर्म में है तो एक्सपोनशियल फॉर्म से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे किस में लॉग फॉर्म में तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा लॉग वैनिश यहाँ पर ये क्या बनेगा एक्स इक्वल बनेगा टू टू दी पावर फोर अब टू टू दावर फोर का मतलब क्या है टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये क्या बनेगा टू टू द फोर फोर टू द एट और एट टू द दिक्कसटीन तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट ऐसा ही एम सी क्यूज है इफ लॉग एट विद बेस टू इज इक्वल टू एक्स देन एक्स इज इक्वल टू एल्फा ऑप्शन है जीरो बीटा ऑप्शन है वन चार्ली ऑप्शन है टू एंड डेल्टा ऑप्शन इज थ्री तो वेरी सिंपल एम सी क्यूज है डियर स्टूडेंट में सबसे पहले से फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूंगा लॉग वैनिश ये बेस जो है एट इज इक्वल टू 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 दावर एक्स अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एट को मैं राइट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 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 दी पावर एक्स क्यूं लिखा बेस सेम बनाना चाह रहा हूं कितने टू है वन टू थ्री तो मैं लिख सकता हूँ टू टू दावर थ्री इज इक्वल टू 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 दावर एक्स डियर स्टूडेंट बेस इक्वल है तो इट मीन पावर

एल्फ़ा ऑप्शन है थ्री बीटा ऑप्शन है फोर चार्ली ऑप्शन है फाइव एंड डेल्टा ऑप्शन इज सिक्स तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे सिक्सटी फोर है यहाँ पे फोर है मैं इसे सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिक्सटी फ़ोर को हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया सिक्सटी फोर को फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर विद बेस टू और यहाँ पर मैंने इसे लॉग फेस टू वैसे ही राइट कर दिया किसके इक्वल है एक्स कितने फोर हैं वन टू थ्री इसे मैं नेक्स्ट स्टेप में राइट करूंगा लॉग फोर टू दावर थ्री विद बेस टू और यहाँ पर डियर स्टूडेंट लॉग फोर विद बेस टू इज इक्वल टू एक्स डियर स्टूडेंट ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है तो मैं इसे राइट करूँगा थ्री लॉग फोर विद बेस टू अपॉन लॉग फोर विद बेस टू इक्वल है इक्वल है एक्स के तो ये सेम वैल्यू कैंसिल तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है थ्री यहाँ पर एल्फा करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम आई स्टूडेंट हमारे पास एम सी क्यू दी वैल्यू ऑफ द थ्री लॉग ए टू दी पावर फोर विद बेस बी मल्टीप्लाई बाई लॉग बी टू दावर फाइव विद बेस ए इज डियर स्टूडेंट देखने में कन कम्प्लिकेटेड से एम सी क्यूज लग रहा है बट वेरी सिंपल एम सी क्यूज है सबसे पहले ये पावर स्टार्ट में आएगी तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा ट्वेल्व लॉग ए विद बेस बी और सेम डियर स्टूडेंट ये पावर स्टार्ट में आएगी तो यहाँ आएगा फाइव लॉग बी विद बेस ए ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ट्वेल्व फाइव द सिक्सटी यहाँ पर लॉग ए विद बेस बी और यहाँ पर लॉग बी विद बेस ए डियर स्टूडेंट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं कैसे कैंसिल हो जाते हैं एक स्टेप में मैं आपको अटैम्प्ट करवाता हूँ इसे हम सेम लिख लेते हैं लॉग ए विद बेस बी और जब मैं इसको फ्रैक्शन में लेके जाऊँगा तो ये बेस और फंक्शन चेंज हो जाएगा तो ये बनेगा आपके पास लॉग ए विद बेस भी तो आप नोटिस कीजिएगा ये सेम इससे कैंसल तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है सिक्सटी यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट इफ़ लॉग ई टू दावर एक्स इज इक्वल टू लॉग टू दावर थ्री प्लस लॉग ए टू दावर फाइव दैन एक्स इज़ इक्वल टू डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एज़ यूजल हम ये राइड करते हैं लॉग एक्स बेसिकली ये लॉग है कॉमन लॉग है और अगर मैं इसी को इसी की बेस ई बना देता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग को हम इस तरह भी राइड कर सकते हैं लॉग कौन सा नेचुरल और जो फंक्शन है वो वैसे ही यानी हमारे पास ये जो लॉग एक्स विद बेस ई है इसे हम एल एन एक्स राइड कर सकते हैं सेम यहाँ पर अगर ये हमारे पास एल एन फॉर्म में राइड किया हुआ है तो जो लॉग के थ्योरम हैं जो प्रॉपर्टी हैं वो सेम अप्लाई होंगी आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू राइट साइड में टू लॉग ऐड हो रहे हैं तो अगर टू लॉग ऐड हो रहे हैं तो मैं इसे सिंगल लॉग में राइट कर सकता हूं क्या बनेगा सिंगल लॉग ए टू द पावर थ्री e ए टू पावर फाइव हमारे पास डियर स्टूडेंट ये लॉग का थ्योरम है ये अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास लॉग ए प्लस लॉग बी है तो हम इसे सिंगल लॉग में जब राइट करेंगे तो ये ए इंटू बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और सेम अगर नेचुरल लॉग है तो देन भी इस पर सेम रूल अप्लाई होगा लेफ्ट साइड सेम रहेगी लॉग ई टू पावर एक्स अब डियर स्टूडेंट आपने ये रूल पढ़ा होगा बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं ये लॉग वैसे ही e टू पावर क्या बनेगा थ्री प्लस फाइव नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग क्या आएगा ई टू दी पावर एक्स और इक्वल टू ए टू पावर एट बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या है एट यानी यहाँ पर डेल्टा सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है इफ़ लॉग एक्स विद बेस हंड्रेड इक्वल टू माइनस वन देन एक्स इज इक्वल टू देर स्टूडेंट वेरी सिंपल है लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू 100 टू पावर माइनस वन 100 टू पावर माइनस वन को वन अपॉन हंड्रेड लिख सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है पॉजिटिव तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन हंड्रड यहाँ पर बीटा सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है माई डियर स्टूडेंट इफ़ लॉग ऑफ लॉग एक्स विद बेस टू विद बेस टू इज़ इक्वल टू वन देन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फर्स्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूँगा लॉग वैनिश ये जो बेस है इसकी बेस बन जाएगी तो हमारे पास क्या बन चुका है लॉग एक्स विथ बेस टू इज़ इक्वल टू 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 दावर वन अब डियर स्टूडेंट आपको पता है टू टू दावर वन है तो वन राइट करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू राइट कर देते हैं इसे मैं अगेन राइट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग वैनिश हो जाएगा ये पावर बनेगी तो ये एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर टू अब टू टू दावर टू का मतलब क्या है टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जब टू को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी फोर यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट टाइम आई डियर स्टूडेंट इफ लॉग एक्स विद बेस ई प्लस लॉग वन माइनस एक्स विद बेस ई इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू देन एल्फा ऑप्शन इज एक्सर प्लस एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो बीटा ऑप्शन इज एक्स स्क्यूर प्लस एक्स माइनस ई इक्वल टू जीरो चार्ली ऑप्शन इज़ एक्स केयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ एक्स कीयर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लॉग की क्या लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ए बी है तो इसे राइट कर सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी और सेम अगर एडिशन की फॉर्म में है आपके पास लॉग ए प्लस लॉग बी है तो हम इसे लॉग ए भी राइट कर सकते हैं यानी इसी को मैंने इस फॉर्म में राइट कर दिया आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंगल लॉग में जब मैं राइट करूँगा सिंगल लॉग बनेगा ये नंबर फर्स्ट इन टू सेकेंड नंबर वन माइनस एक्स विद बेस e इक्वल टू क्या बनेगा ज़ीरो अब डियर स्टूडेंट मैं लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूंगा लॉग वैनिश हो जाएगा ये e इसकी बेस बनेगी तो यहाँ पर x इन टू वन माइनस एक्स किसके इक्वल आया है ई टू दावर जीरो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस एक्स कीयर ई टू द पावर ज़ीरो क्या होगा वन इसको मैं अरेंज करता हूँ ये नेगेटिव इस साइड पे शिफ्ट किया पॉजिटिव एक्स कीयर ये प्लस इस साइड पे शिफ्ट किया माइनस एक्स ये ऑलरेडी प्लस वन है इक्वल किस किया ज़ीरो सो हम कह सकते हैं एक्स कीयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है तो माई डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने क्वान्टिटेटिव मैथ से रिलेटेड एम सी क्यूज़ अटैम्प्ट किए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस एम सी क्यूज थे होप्स हो कि आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है माई डियर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच